जिसमें ना किसी की तस्वीर और ना झंडा शामिल है, जबकि कुछ हुक्मरान अवाम के पैसे से बने बैथरूम्स पर भी अपनी तस्वीरें लगाते हैं। ये क्या इस अच्छे प्रेसिडेंट को इस तरह से तशहीर करना, इस किस्म की ट्वीट्स का सामने आना, और फिर टाइगर फोर्स के हवाले से क्या फरमाइएगा? जैसा कि कहा गया यूनिफॉर्म पर भी उसके एक्सपेंस आ रहे हैं, क्या बेहतर ना होता कि वो एक्सपेंस गरीबों को डिजर्विंग फैमिलीज की तरफ जो है दे दिया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नीलम। नीलम, मैं पहले एहसास प्रोग्राम के हमने उसको डी पोलिटिसाइज किया है, हमने उसको बिल्कुल भी पोलिटिसाइज नहीं किया, उसके बारे में बताती हूँ, फिर मैं टाइगर फोर्स का भी आंसर करती हूँ। मेरे दोनों बड़े काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई हैं ये, इनकी इन्होंने देखे ना, आपने एहसास के बारे में सवाल किया और इन्होंने सारा आंसर टाइगर फोर्स का दिया है। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई द पब्लिक एंड देन अल्लाह करे ये भी मुतमइन हो जाए। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमने ये जो कोई 1.5 करोड़ के लगभग के जो खानदान है, इनको हमने, मुझे ये बताएं क्या हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन शो हो रही है, कोई ये मेंशन कर रहा है? और इसमें आई एम टेलिंग यू, मैं ये चैलेंज कर रही हूँ कि मेजोरिटी उन लोगों की हकदारों की है, ये सही कह रहे हैं, जो पहले भी बिप्स के बेनिफिशरी थे या कोई और भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स के बेनिफिशरी थे, लेकिन उसमें से इनको ये मानना पड़ेगा कि 8.5 लाख के लगभग फेक डाटा भी हमने निकाला है। फायदे पहले लोग उठा रहे थे, अब हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अवाम, अगर हमारे, हाँ इनका गिला तब बजा था, तब इनकी बात समझ आती जब ये हमारे जो इलेक्टेबल्स थे एमपीएस एमएनए या हमारे मिनिस्टर ये बांट रहे होते, लेकिन हमने जो इमरान खान साहब ने वोट बैंक की बात किया, खुदारा उसको गलत मतलब ना ले, वो तमाम इस मुल्क के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ये मैसेज उनके लिए था। इट वॉज नॉट ओनली फॉर द पीटीआई, ये जितने इनके जीते हुए लोग हैं, हमारे हैं या रनर अप है, ये उनके लिए था कि अल्लाह ने सुनहरा मौका दिया है, सुनहरी मौका है, इसलिए कि एक तो देखें, एक अल्लाह की अदालत है और एक अवाम की अदालत है, और दोनों में ही हमने पेश होना होता है, पॉलिटिशियंस में स्पेशली।